अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नहायत खूबसूरत आर्टिकल आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो आइए मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। वैसे तो आपको ये वीडियो के फ्रेम में बहुत नुमाया चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं, तो कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कार्विंग और इसके हेड साइड की। तो इनर पैनल जो है वो पोशिश्ड हुआ है, ठीक है, और जो बाकी आप पैनल देख सकते हैं जो कि कार्विंग में है और प्योर वुड के अंदर है। बीच वुड इसके अंदर प्रॉपर यूज़ हुई हुई है जो कि ड्राई है। ये इम्पोर्टेड वुड है जो कि इसमें इस्तेमाल हुई हुई है, और अगर हम इसका कलर देखना चाहें तो वो डीको नहीं है जनाब, ये गोल्ड फॉयल रैप हुआ हुआ है। इसे लीफिंग कहा जाता है और इसके साथ बिल्कुल हल्की सी एंटीक इस्तेमाल की गई है। तो ये जैसे आप नज़र डाल रहे हैं कि इसके हेड साइड का जो पैनल है ये सारा ही कार्ड है। जो क्राउन है इसका सेंटर का हेडबोर्ड का, वो देखें कितना नुमाया है, कितना खूबसूरत रैप हुआ हुआ है। तो इस खूबसूरती को आप हर जगह महसूस करेंगे। गोल्ड फॉयल एक नुमाया अपनी लुक देता है। फिर इसको करने वाले भी स्पेशल वर्कर्स हैं जो कि इसको करते हैं, और काफ़ी हाथ की मेहनत इसमें इस्तेमाल होती है। जैसे कि हेडसेट के ऊपर, हेड साइड के ऊपर आपके फॉयल रैप हुआ हुआ है गोल्ड, वैसे ही इसके फीट साइड के ऊपर इसके दोनों कॉर्नर्स के एजेस आप देखें तो उस पर भी यही फॉयल रैप हो चुका है। कलर आपके साथ इसका एंटीक कलर है जो कि मिक्स किया गया है। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो फॉयल रैप होता है वो थोड़ा सा अनफिनिश्ड भी रहता है। उसकी रीज़न ये है कि ये पेपर होता है तो ये अपनी क्लियरेंस उस तरह नहीं देता जैसे डीको पेंट या मेटालिक पेंट या बाय हाथ के जो गड्डी वाला पेंट होता है वो। अब आप इनर साइड का जो पैनल है इसका, फुट साइड का, वो टेक्सचर्ड हुआ हुआ है, वो काफ़ी खूबसूरत अपीयरेंस अपनी दे रहा है। फिर इसी तरह की ही अपीयरेंस इसके साइड टेबल्स पे है। सारा ही सॉलिड इसका पैनल है, फ्रेम है, और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसके साइड्स के भी पैनल जो हैं वो भी लीफिंग में है, ये लीफिंग और डीको मिक्स हुआ हुआ है। आइए, तो वो जो एक स्पेशल चीज़ थी वो ये थी जो कि इसका टॉप है। फुली हाई ग्लॉस टॉप है इसका, और मार्बल टेक्सचर इसमें दिया गया है। ये कोई यूवी की शीट नहीं है, ना इम्पोर्टेड कोई एक्रैलिक शीट है, ये MDF ही है जिसके ऊपर बाय हैंड इस चीज़ को किया गया। कुछ मशीन्स का भी यूज़ है लेकिन मोस्टली जो काम है इसके अंदर हाथ का ही है, सफाई सारी हाथ की है इसमें। लीफिंग सेंटर पैनल पे है इसकी कार्विंग के, साइड टेबल्स के साइड पैनल्स और ड्रेसर सेम ऐसे ही हैं। साइड टेबल्स जैसा ही इसका टॉप है जो कि मार्बल और हाई ग्लॉस में है। नुमाया अपीयरेंस आपको नज़र आ रही है इस वीडियो में। फिर अगर हम इसके ऊपर नज़र डालें इसके फ्रेम पे, लुकिंग मिरर के, उसके ऊपर भी लीफिंग हुई हुई है, गोल्ड फॉयल रैप है सारा ही। करीब से आप इसको देख सकते हैं, सेंटर पैनल आप चेक कीजिए जो हेड फ्रेम का है, इसका जो क्राउन है उसके ऊपर भी लीफिंग है। इसी तरह ही ये सारा सॉलिड फ्रेम है इसका। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार हमारे साथ कमेंट्स में आप कर सकते हैं। आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।